आप दोनों से पूछ रही हूं, इन पर तो आरोप है ही, उसी पर हम बहस कर रहे हैं आज। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को पकड़ने के लिए दिल्ली आ गई थी? ये वेंडेटा नहीं था? क्यों अंजना जी, जो गलत करेगा जहां केस रजिस्टर्ड होगा, यही वही कहते पवन हैं। खेड़ा को पकड़ने के लिए कहां की पुलिस आई थी? जब पवन बिल्कुल खेड़ा को अरेस्ट हेमंत करने के बिश्वा लिए शर्मा ने अपने मार्क्स बना लिए, असम पुलिस भेज दिया यहाँ एयरपोर्ट पे। लेकिन ट्विटर आप देखोगे उठा के, जब वो रोज गाली गुफ्तार करेंगे तो उठाने आएगी पंजाब की। यही है, अब यही प्रथा चल पड़ी है देश में, जहां पर जिसकी सरकार वो खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल गलत। कंगना रनौत के दफ्तर पे बुलडोजर चले तब तो ताली पीटते हैं आप सरकार के साथ, और यहां पर किसी के घर में बुलडोजर अब यूपी में चल जाए तो ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जो सरकार में रहता है, जिसके पास सत्ता ताकत है, वो उसके गुरूर में चूर है इस देश में, और वो फिर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्या गलत है? नहीं देखिए, दो चीजें हैं, आप अपराधी को अपराधी की तरह माने, अपना और पराया न माने। यदि ये आप में भाव है जो संवैधानिक दायरे में रह करके, तो ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं का आप उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, ये मैटर करता है। कई जगह चलना उनके दफ्तर पे सही था या गलत था? कोर्ट ने उनको राहत दी है ना, जहां राहत देनी थी, और एक्स्ट्रा उन्होंने कराया भी था, एक्स्ट्रा था भी। कंगना रनौत का जो पार्ट तोड़ा गया वो एक्स्ट्रा था, इनक्रोचमेंट थी उनकी, इसलिए तोड़ी गई। लेकिन बुलडोजर का मामला यूपी में जिस तरह आप करते हैं, पेपर का आपने काम देखा ये भी टोटल ना, रखते एक, हैं। एक उस परिवार का क्या हाल हुआ, माँ बेटी दोनों जल गई, हत्या कर ली, लेकिन इस संवेदनहीन सरकार एक बार नहीं बोली, बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहा था। आज जब बुलडोजर चलता है और कोई घटना दुर्घटना होती है तो अधिकारी पकड़े जाते हैं, और जब वैसे बात आती है तो बाबा 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 ये लोग चिल्लाते हैं। अरे बाह बाह मत कीजिए और बाबा मत कीजिए, देश के संविधान से सारी चीजें चलनी चाहिए। संविधान बड़ा है हम और आप, कांग्रेस और भाजपा और बाकी पार्टियां बड़ी नहीं है, हम ये मानते हैं। देखिए पहले तो इनकी बात का उत्तर दे दूं, जनता ये पूछ रही है कि अगर कट्टर ईमानदार थे अंजना जी तो फिर इन्होंने इस्तीफा क्यों ले लिया बाद सतेंद्र जैन से भी और मनीष सिसोदिया से? आप जब इस्तीफा ले लिया तो इस्तीफा क्यों ले लिया? देखिए अंजना जी, इस्तीफा लो, मतलब पहले कहते इस्तीफा लो, इस्तीफा ले लिया, ले लो तो इस्तीफा क्यों ले लिया? जनता से पूछ लीजिए, बार बार बीच में बोलना ये कौन सा तरीका है? आपके बीच में नहीं बोला, जवाब तो लेने दीजिए ना प्लीज। धन्यवाद। दूसरी बात, जनता ये पूछ रही है अगर आपकी आबकारी नीति, शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली, नहीं लेनी चाहिए थी? तीसरी बात जनता ये पूछ रही है कि जिसको आप कहते थे कि कट्टर ईमानदार हैं, उसको न्यायालय क्यों नहीं सोच रहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं? बेल तो मिलनी चाहिए ना, और 7-8 महीने का समय सतेंद्र जैन को भी मिला। आप बताइए अंजना जी, इस तर्क में क्या कमी है? सारे दर्शक बताएं कि अगर आपको लगता है आप ईमानदार हैं, मैंने आपको भाजपा के नेताओं के बारे में बताया, न्यायालय गए, निरस्त करा लाए मुकदमा, आप भी जाते, निरस्त करा लाते, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि न्यायालय में ऐसे हवाबाजी नहीं हो सकती, इधर से चारा, उधर से बाबा, इधर से ये चिल्ला रहे, वहां पे आपको हलफनामा देना होगा, तथ्य रखने होंगे, और न्यायालय तब तय करता है, इसीलिए घबराते न्यायालय नहीं जाते। छोटे छोटे कमेंट सबसे आपसे शुरू करते हुए मैं आ रही हूँ, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोलिए। देखिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये जैन साहब के बारे में बार बार बात करते हैं, ये अभी तक केस भी नहीं बता पाएंगे जैन साहब पे क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं अंजना जी, आप ये तो बताइए मिला क्या, आप कुछ नहीं बता पा रहे। और दूसरी बात ये, अगर पॉलिसी अंजना जी एक मिनट और, अगर पॉलिसी एक मिनट, अगर पॉलिसी खराब थी, कोर्ट से बेल नहीं मिली ना, अंजना जी सुन लीजिए, अगर कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रही थी? दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बीजेपी के लगाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मैं से पूछता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सीबीआई कब जाएगी? नहीं सीबीआई कब जाएगी? नहीं अंजना जी बता दे, अप्रूव किया नहीं किया एलजी ने? बताइए एलजी ने अप्रूव किया? चलिए वक्त की कमी आपसे शुरू करते हुए, अगर ये प्रथा चल पड़ी जो सरकार में आएगा वो दूसरों के खिलाफ होगा। कल यही बुलडोजर, यही एजेंसी, आप बीजेपी, प्लीज सर, प्लीज एलजी ने अप्रूव किया नहीं किया? आप आ जाइए यहाँ पे, प्लीज आ जाइए। यही प्रथा चल पड़ी तो कल को एजेंसियां फिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जाएंगी, उनके घरों पे पहुंचेंगी अगर वो सत्ता से बाहर होंगे। पीएमएलए का एक्ट है जिसपे आज विवाद खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस ने लाया, ये यूपीए सरकार में 2005 में आया। लाए कोई, इस्तेमाल कौन कर रहा है? नहीं, सवाल ये है कि आज बोल रहे हैं कि उसके पावर असंवैधानिक है, तो आप संसद में क्या लालू जी के सांसद सो रहे थे? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं ITED CBI सब लोग वहीं उनके घर में ही दफ्तर खोल खाना पीना सब दीजिएगा 24 तक करते रहे। आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है, ईडी तो कोई बड़ा अलग नहीं है, वो भाजपा के ही कार्यालय से चल रही है संचालित। देखिए अंजनी, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि वो पॉलिसी गलत थी, एलजी ने अप्रूव क्यों किया, एलजी के यहाँ सीबीआई कब जाएगी? मैं
इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को जितना कष्ट हो रहा उतना ही जनता ताली बजा रही है, कह रही है हमारा रुपया इन भ्रष्टाचारियों ने खाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी होती रहेगी। और अंजना जी चुनौती देता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं, रुख किया नहीं किया, न्यायालय का एक आदेश नहीं दिखा सकते जहां पे कार्रवाई को निरस्त किया हो। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।